दोस्तों, अगर आप लोगों को अपने आईफोन में कुछ ऐसी नो सर्विस की प्रॉब्लम देखने की मिल रही है तो घबराइए मत। आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी सेटिंग्स बताने वाला हूँ जिनको यूज करने के बाद आपको यहाँ पे नो सर्विस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। चलते हैं दोस्तों अपनी वीडियो की तरफ। हमारा पहला तरीका है इस नो सर्विस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो यहाँ पे आपको अपने सिम कार्ड को यहाँ पे इजेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको एक टूल ले लेना है और यहाँ से आपको अपने सिम को निकाल लेना है बाहर। और यहाँ पे आप लोग अपने सिम को निकालने के बाद यहाँ पे आपको एक बार सिम ट्रे से भी आपको बाहर निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को कुछ ऐसे करके अपने सिम को करना है। और यहाँ पे आपको, क्योंकि काफ़ी टाइम होता ही है कि हमारी सिम में काफ़ी बार यहाँ पे डस्ट हो जाता है, तो यहाँ पे काफ़ी बार नेटवर्क नहीं आते हैं, तो यहाँ पे आपको अपने सिम को साफ़ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दोबारा यहाँ पे इंसर्ट करना है अपने सिम को। और उसके बाद यहाँ पे आपको अपने आईफोन में दोबारा डाल देना है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी टाइम यहाँ पे आपको नो सर्विस दिखाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा तुरंत सिम डालने के बाद यहाँ पे हमारी नो सर्विस जा चुकी है और यहाँ पे हमारा सिम आ चुका है। दूसरा तरीका है इस नो सर्विस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो यहाँ पे आपको आईफोन को रीस्टार्ट कर लेना है। तो रीस्टार्ट करने के लिए यहाँ पे आपको इस असिस्टिव टच में जाना है और यहाँ पे आपको रीस्टार्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, उस पर टैप करना है। और यहाँ पे आपको रीस्टार्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको उस पर टैप कर देना है और अपने आईफोन को रीस्टार्ट कर देना है। आफ्टर रीस्टार्ट, आई होप आपका यहाँ पे नो सर्विस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों, हमारा तीसरा तरीका है, यहाँ पे आपको आईफोन में कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको स्क्रॉल डाउन करना है और अपने आईफोन को एक एरोप्लेन मोड पर डाल देना है। 50 सेकेंड्स के लिए आपको आईफोन को एरोप्लेन मोड पर रखना है। उसके बाद आफ्टर देन यहाँ पे अपने आईफोन को एरोप्लेन से हटा देना है। तो यहाँ से आपको सिम कार्ड में नो सर्विस की प्रॉब्लम साइज सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी बार होता यही है कि हमारा नेटवर्क डिसेबल हो जाता है या फिर इनेबल हो जाता है। तो यहाँ से आप लोग एरोप्लेन लगा के भी अपने नो सर्विस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ सेटिंग है, यहाँ पे आपको अपने सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको मोबाइल सर्विसेज में आ जाना है। मोबाइल सर्विसेज में आ जाने के बाद यहाँ पे आपको देखने के मिलता है सेलुलर डेटा नेटवर्क, इस पर टैप करना है। और यहाँ से आपको अपने आईफोन के इस रीस्टार्ट सेटिंग्स पर टैप कर देना है और यहाँ से आपको रीस्टार्ट पर टैप कर देना है। तो यहाँ से आपकी भी नो सर्विस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी काफ़ी हद तक। लास्ट सेटिंग है, उसके लिए आपको जर्नल्स में जाना है। और जर्नल्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको आ जाना है डेट एंड टाइम में। और यहाँ से आपको डेट एंड टाइम को सेट ऑटोमेटिकली पे टैप कर देना है, क्योंकि हम लोग अगर मैनुअली टैप करते हैं तो यहाँ पे हमारा नेटवर्क नहीं पकड़ता है। तो यहाँ पे आपको सेट ऑटोमेटिकली पे टैप करके रख देना है और यहाँ से आपके नेटवर्क देख सकते हैं हो जाते हैं बूस्ट और यहाँ पे नो सर्विस की प्रॉब्लम हो जाती है सॉल्व। तो दोस्तों, ये थे कुछ इजी स्टेप्स अपने आईफोन में नो सर्विस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। दोस्तों, अगर आपके पास इसके बाद अगर प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कर देना। अगर उसके बाद भी यहाँ पे अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो कमेंट सेक्शन में एक और कमेंट कर देना। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ तुम्हें एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए।